नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाव ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं और पावर पैक अगले 20 से 22 मिनट होने वाले, क्योंकि काफी कुछ आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। चलिए, विदेशी बाजार के संकेत। एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ होती हुई दिख रही है। एसडीएक्स निफ्टी करीब 25 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड करते हुए, डाउ फ्यूचर्स में 40 अंकों की बिकवाली है। हांगकांग के बाजार 44 अंक टूटते हुए, वहीं निक्केई में भी कमजोरी के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, हरे निशान के साथ कल भी नए रिकॉर्ड्स पर नैस्डैक और S&P ने क्लोजिंग दिखाई और डाउ में 100 अंकों का उछाल देखने को मिला। विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम है, ये जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। आज विदेशी बाजार के संकेत क्लियरली एशियाई बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ देख रहे, लेकिन अमेरिकी बाजार में हमने तेजी बीती रात देखी। अच्छा, फेड के जो बैठक के मिनट्स आए, उससे भी कुछ सपोर्ट मिलता दिखा? बिल्कुल मानसी, गुड मॉर्निंग। और डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे हैं। एशिया की सुस्त शुरुआत हुई, ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं है, बट हल्की सी गिरावट के साथ ट्रेड होते हुए दिख रहा है। और स्पेशली जापान पर नज़र रखिए, क्योंकि टोक्यो में आने वाले एक महीने के लिए इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है, ऐसे संकेत आ रहे हैं। कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए घोषणा की जा सकती है। और जैसे कि हम सबको मालूम है, 2 हफ्ते बाद ओलंपिक्स शुरू होने वाले हैं जापान में, तो उसके हिसाब से भी एक प्रिकॉशनरी मेजर लिया गया है और टोक्यो में इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। तो वहाँ से थोड़ा सेंटिमेंट ज़रूर आपको बिगड़ते हुए दिख रहा है। बाकी अगर आप देखें तो एशिया के बाजारों में ऑफकोर्स थोड़ी सी हल्की सुस्ती का माहौल इस समय बना हुआ है। जहां तक अमेरिका की बात है, फेड मिनट से डेफिनेटली बाजारों को सहारा मिलते हुए दिखा है। अब दोनों तरफ से देख सकते हैं फेड के जो मिनट्स आए हैं। एक बात तो क्लियर है कि फेड का ये मानना है कि इकोनॉमी में सुधार हो रहा है, पर आगे और सुधार देखना जरूरी है इससे पहले कि कोई एक्शन लिया जाए। तो इससे बाजार डेफिनेटली खुश हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने पर फेड एक्शन लेने के लिए तैयार है, पर किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा उसको अभी भी अनुमान लगाना मुश्किल हो रहा है। पर एक बड़ी बात जो आई है जिससे बाजार को सहारा मिला है, कि फिलहाल दरें बढ़ाने पर सहमति नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि दरें बढ़ानी चाहिए, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं बढ़ानी चाहिए, बट ऐसी सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है। तो वहां से भी बाजार को सहारा मिला है कि इमीडिएट कोई एक्शन नहीं होगा। और फाइनली टेपरिंग या फिर स्टिमुलस को कम करने के लिए शुरू करने की जो समय सीमा है उसको शायद थोड़ा आगे लाना पड़ सकता है, पर इस पर अभी बातचीत हुई है, कोई फाइनल डिसीजन नहीं निकल कर आया। तो ओवरऑल बाजार खुश है कि फेड मिनट से कोई ऐसा बड़ा संकेत नहीं निकल कर आया कि कब टेपरिंग शुरू होगी या फिर कब दरें बढ़ाई जाएंगी। और इसलिए हमने देखा कि सुस्त शुरुआत के बाद अमेरिकी बाजारों में कल अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। फेड मिनट्स आने के बाद बाजारों में तेजी आई और डाउ 100 अंक उछलकर दिन की ऊंचाई पर बंद होते हुए दिखा। और S&P 500 एक दिन के ब्रेक के बाद वापस नया रिकॉर्ड यहां पर लगा। टेक्नोलॉजी शेयर्स में एक्शन था, नैस्डैक पर भी नया रिकॉर्ड लगा, पर एंड में सपाट बंद हुआ है नैस्डैक। 10 साल की बॉन्ड यील्ड, यहां से काफी सहारा मिल रहा है टेक्नोलॉजी शेयर्स को, अब फिसलकर 1.3% पर आ गई है, 5 महीने के निचले स्तर पर है। आज साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आएंगे, वहां पर नजर है 3.5 लाख का अनुमान है। यूरोप में भी कल अच्छी तेजी बनती हुई देखी, 0.5 से 1.5% तक का उछाल यूरोप के बाजारों में आया है, तो वहां से अच्छे संकेत हैं। कच्चे तेल में वापस दबाव बनते हुए दिखा है। ब्रेंट अब 1.5% फिसलकर $73 के करीब ट्रेड करते हुए दिख रहा है और सोने में खरीदारी है, $1800 के करीब है। वहीं डॉलर पर आप एक रेंज बाउंड एक्शन फिलहाल देख रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। तो भले ही एशियाई बाजार की शुरुआत में थोड़ी सी सुस्ती दिख रही है, लेकिन फिर भी विदेशी बाजार मिले जुले संकेत ही कहेंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजार से भी सपोर्ट मिलता हुआ कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी तेजी के साथ हमने ट्रेड देखा है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि बुधवार यानी कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIIs ने कैश मार्केट में खरीदारी की है, हालांकि वायदा बाजार में बिकवाली की है। FIIs की कैश मार्केट में 533 करोड़ की खरीदारी है, वायदा बाजार में FIIs की करीब 140 करोड़ की बिकवाली है। तो कैश मार्केट में DIIs ने भी 232 करोड़ की बिकवाली की है। तो क्लियरली कैश मार्केट में महज FIIs की खरीदारी के आंकड़े हैं, लेकिन DIIs कैश मार्केट में और FIIs वायदा बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो फिलहाल विदेशी बाजार के संकेत दिख रहे हैं, संस्थागत निवेशकों का एक्शन दिख रहा है, साथ ही भारतीय बाजार के लिए वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, ऐसे में आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए ये जान लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। आज जो तमाम संकेत दिख रहे हैं, इन्हें कैसे समझे, भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति आज क्या बनाएं सर?
गुड मॉर्निंग मानसी, संकेत तो अच्छे ही है। ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई समस्या नहीं, जहां भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट थे, उसके मुकाबले में सेंचुरी मार्कर बंद हुए, नैसडेक और एसएनपी ने रिकॉर्ड बनाया, तो संकेत तो कहीं कोई खराब है नहीं। फेड मीटिंग के जो मिनट्स आने के बाद भी कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं है। ऊपर से देखिए बॉन्ड यील्ड घटकर 130 के आसपास आ गई है, तो इक्विटी मार्केट्स के लिए तो अच्छे संकेत है। मेरा तो ये मानना है कि बढ़िया संकेत है। आज फिर जिस तरह से 25-30 पॉइंट नीचे नजर आ रहा है, अगर गैप से खुलेगा नीचे तो खरीदारी के तुरंत ही मौके बनेंगे, और खरीदारी करने के लिए सबसे बेस्ट रेंज जो है, परफेक्ट जो है, वो आपके लिए 15,775 से 15,825 की रेंज है। ये तुरंत प्रभाव से सपोर्ट का काम करेगी, और अगर इस रेंज में बाजार मिलते हैं खुलते हैं तो आपको तुरंत ही खरीदारी करनी चाहिए। ऊपरी स्तरों पर एक बार 15,915 के आसपास हल्की रुकावट का लेवल है, जो लाइफ टाइम हाई है, उसे पार करके टिके तो 15,925 से 16,000 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी ने कल एक बढ़िया ब्रेकआउट दिया, इनफैक्ट निफ्टी ने भी दिया है, लाइफ टाइम हाई पर बंद हुए हम कल, और जब लाइफ टाइम हाई पर बंद हो तो नेचुरली सेंटिमेंट मजबूत होना चाहिए, और ऐसे में हल्की फुल्की कहीं कोई गिरावट दिखे तो उससे डरने घबराने की जरूरत है नहीं। 35,525 ये 150 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और आसानी से टूटने वाला नहीं है दिन के लिए। और ऊपरी स्तरों पर 35,950 ये 150 पॉइंट की रेंज हल्की रुकावट का लेवल है। 36,100 के पार निकलकर बैंक निफ्टी टिका तो फिर 36,500 तक का रास्ता खुलता हुआ नजर आएगा ऊपर की तरफ। बाकी जहां तक डेटा का सवाल है, मजबूती की तरफ इशारा कर रहे हैं। 15,800 के फुट लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो सपोर्ट आपका बहुत नजदीक है। और एक अच्छी बात और कि कल के सेशन में बड़े दिनों बाद कैश मार्केट में एफआईआई की तरफ से छोटा ही सही खरीदारी का आंकड़ा आया है, तो ओवरऑल संकेत अच्छे हैं। तेजी के व्यू के साथ बाजार में रहना चाहिए, ब्रॉडर मार्केट में भी तेजी होगी, और अगर दिग्गज शेयर गैप के साथ नीचे खुलेंगे तो वहां पर तुरंत खरीदारी के मौके होंगे। अगर 40-50 पॉइंट जैसा एसडीएक्स निफ्टी नीचे दिखा रहा है, इतनी गैप से नीचे शुरुआत होती है तो खरीदारी के मौके तुरंत बनेंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रेटजी हमें बताने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए, आपके पास पहली रणनीति यहाँ मिल चुकी है। शुरुआत यहाँ पर निफ्टी के सपोर्ट जोन से करेंगे। सबसे पहले देखिए आप 15,775 से 15,825, ये निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करते हुए दिखेंगे। हालांकि यहां पर आप आज के सत्र की अगर बात करें, अच्छे लेवल्स पर मजबूती के पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं। 15,925 से 16,000 ये रेंज जो है, इसे आप निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर जरूर मानकर चले। 33,425 से 33,575 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे। वहीं 33,950 से यहां पर एक बार 36,100 इस रेंज को आप मानकर चल सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर। 36,100 के पार जाने पर नए लेवल्स और अच्छी मजबूती के पूरे आसार यहां पर बनते हुए दिखेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी की तरफ से यहां पर जो सेंटिमेंट्स बनते दिख रहे हैं, अच्छे संकेत है और आज भी तेजी के पूरे अनुमान है। लेकिन चलिए एक इम्पोर्टेंट खबर आज आपको बताते हैं। पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील में नया मोड़ आ गया है। पीएनबी के बोर्ड ने पीएनबी हाउसिंग से फंड जुटाने के प्लान को नए सिरे से देखने के लिए कहा है। ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं पीएनबी हाउसिंग कार्लाइल डील में नया मोड़ क्या आया है, इसके मायने क्या है? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। दरअसल पीएनबी हाउसिंग ने कल शाम को एक प्रेस रिलीज इशू किया, जिसमें यह कहा कि पीएनबी के बोर्ड की तरफ से कंपनी को कहा गया है कि सेबी का जो डायरेक्टिव था 18 जून का, उस पर विचार किया जाए और देखा जाए कि डील में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है सेबी के निर्देश के मुताबिक, और वैसा बदलाव होना चाहिए। दरअसल पीएनबी जो कि पैरेंट कंपनी है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, उसने एक लॉ फर्म से एक ओपिनियन ली थी और उस ओपिनियन के आधार पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को ये बदलाव करने को कहा है। ये कहा है कि जो सेबी का डायरेक्टिव है उसको जरूर देखा जाना चाहिए कि किस तरह से उसको फॉलो किया जाए, और उसके बाद ही कोई फैसला हो। और साथ ही पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस ने खुद भी ये कहा है कि जब तक सैट का फैसला नहीं आ जाता इस मामले में, तब तक इस बात को आगे और नहीं बढ़ाया जाएगा। दरअसल मीडिया में काफी चर्चा हुई थी इस बात को लेकर, और काफी सवाल भी उठे थे कि आखिर किस आधार पर पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस इस तरह के डील को मंजूरी दे रहा है, पीएनबी का जो कि पैरेंट कंपनी है वो किस तरह से इसको सपोर्ट कर रहा है। और इसके बाद जो डीपीएम है, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं कि जो डीपीएम है यानी जो विनिवेश का विभाग है सरकार का, और जो डीएफएस है यानी वित्तीय सेवाओं का विभाग है जिसके तहत बैंक और इंश्योरेंस कंपनी आती हैं, इन दोनों ने सेबी से
पूछा कि किस आधार पर ये निर्देश दिया गया था उनको कि जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस पहले इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से जो है एक रिपोर्ट तैयार कराए और उस रिपोर्ट को अपने बोर्ड के सामने रखे और उसके बाद आगे बढ़े। दरअसल सारा मामला दो तीन चीजों को लेकर उठा था। पहली बात ये उठी थी कि जब 540 रुपये बुक वैल्यू है तो इतने नीचे में 390 रुपये पे किस क्यों जो है शेयर एलोकेशन की बात हो रही है। दूसरा सवाल ये था कि अगर राइट्स इश्यू लाया जाता है तो पीएनबी को ज्यादा फायदा होता है, करीब 2000 करोड़ रुपए या उससे बल्कि ज्यादा की रकम पीएनबी को मिलती अगर वो राइट्स एंटरटेनमेंट कार्लाइल को बेचता या किसी और को बेचता, तो ऐसा मौका क्यों छोड़ा जा रहा है। तीसरा जो अहम बात थी इसमें, तीसरी अहम बात थी वो ये थी कि अगर अगर कंट्रोल छोड़ रही कोई कंपनी तो फिर प्रीमियम चार्ज क्यों नहीं किया जा रहा है। इस तरह से बहुत सारे सवाल उठे थे और उन्हीं सवालों के बीच इस तरह से कहें कि वित्त मंत्रालय ने दखल दिया, उसके बाद पीएनबी के बोर्ड ने जो है इस तरह का निर्देश पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रिजेश जी, शुक्रिया ये इम्पोर्टेंट खबर हम तक पहुंचाने के लिए। इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हैं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं चाहती हूँ एक बार फिर से आप स्ट्रेटजी की ऊपरी रेंज जो है उसे एक बार गौर कीजिए। निफ्टी के लिए 15,925 से 16,000 ये ऊपरी रेंज है और बैंक निफ्टी के लिए 35,950 से 36,100 ये ऊपरी रेंज का काम करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये स्ट्रेटजीज नोट डाउन जरूर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर अब वरुण दुबे से जान लेते हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखेंगे, साथ ही ट्रिगर्स कौन से हैं आज। गुड मॉर्निंग मानसी, तो शुरुआत ट्रिगर्स के साथ करते हैं। तो आज कुछ नतीजे आने वाले हैं। दिग्गज टीसीएस आफ्टर मार्केट अपने नतीजे घोषित करेगा, यहां नजर रखिएगा। कैश में शाम मेटालिक्स, हमने आपको नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी बताया है, तो ये दो नतीजे हैं जहाँ पे फोकस करना है। शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, यहाँ पे नजर होगी। काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो आज एक्स डिविडेंड होंगे, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचपीसीएल, एलएनटी, तो इन सभी काउंटर्स पे आपको नजर रखनी है। आईपीओ का अपडेट, जीआर इंफ्रा 2.28 टाइम्स भरा है और क्लीम साइंस एंड टेक्नोलॉजीज 1.7 टाइम्स पहले दिन भर चुका है, तो दोनों आईपीओ पहले दिन ही पूरे भर चुके हैं। इन्फो एज पे नजर रखिए क्योंकि खबरें हैं कि जोमेटो का आईपीओ जो है वो 14 से 16 जुलाई तक खुला रहने वाला है। 70 से 72 रुपए का प्राइस बैंड रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। 9,375 करोड़ जो है ये कंपनी जुटाएगी। एनएमडीसी ओएफएस अपडेट, रिटेल का जो रिटेल निवेशकों का जो हिस्सा है वो 76% सब्सक्राइब हुआ है। कुल सब्सक्रिप्शन जो है 1.18 टाइम्स हुआ है। कल्याण ज्वेलर्स, इस कंपनी ने अपने Q2 के अपडेट्स दिए हैं। लो बेस के चलते आय में 190% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ कंपनी ने ये भी कहा है कि करीब 92% शोरूम जो है वो सामान्य कामकाज कर रहे हैं। टाटा मोटर्स, सभी की नज़र कल शाम को होने वाली कॉन्फ्रेंस कॉल में थी और काफ़ी सारे अपडेट इस कंपनी ने दिए हैं। इस कंपनी का कहना है कि किसी प्रोडक्ट के लॉन्च में देरी करने की कोई योजना नहीं है। नए प्रोडक्ट का उत्पादन चिप की सप्लाई पर निर्भर करेगा और नए निवेश जारी रहेंगे और नए निवेश के पीछे से पीछे ये कंपनी जो है वो नहीं हटने वाली है। मार्केट शेयर घटने का ज़्यादा रिस्क नहीं है, तो काफ़ी सारे अपडेट जो है इस कंपनी ने कल अपने कॉन्फ्रेंस कॉल में दिए हैं। KPR मिल, इस कंपनी की 27 जुलाई को बोर्ड की बैठक है। शेयर विभाजन पे बोर्ड जो है वो विचार करने वाला है। कुछ बल्क और ब्लॉक डील्स कल हुई है, उसमें उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में एबरडीन ग्लोबल एशियन स्मॉल कंपनीज ने करीब 10.05 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं 203-204 रुपये के भाव पे। और एंजल ब्रोकिंग लगातार, वैसे भी जो रेटिंग जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो रडार पे है और ICICI प्रोडेंशियल म्यूचुअल फंड ने यहाँ करीब कल 70,670 शेयर्स बेचे हैं। स्टेक जो है पार्शली रिड्यूस किया है इस कंपनी में ICICI प्रोडेंशियल ने, 3.11% से कम होके अब ये जो हिस्सा है 3.03% रह गया है। ओके वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। आज के लिए आज जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं ये जानिए। 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं। नीलकमल चॉइस ब्रोकिंग की राय है, नीलकमल में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। 2410 के टारगेट्स के लिए 2299 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय जिंदाल स्टील पर है, यहाँ खरीदारी अगर करते हैं 415 के लक्ष्य को मानकर चले 393 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। इंडिया सीमेंट में भी खरीदारी की राय ये दे रहे हैं, 205 के टारगेट्स को मानकर चले 194 का स्टॉप लॉस लगाए। आनंद राठी की राय इंडियन होटल्स पर है, 162 के टारगेट्स के लिए 147 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के सीनियर वीपी इक्विटी रिसर्च श्रीकांत चौहान जी अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। आपसे आपके रिकमेंडेशन और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स लेंगे। लेकिन हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज से श्रीकांत चौहान जी जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले आज के लिए इंडेक्स पर आपका नजरिया और साथ ही आपके रिकमेंडेशन। देखिए लगता है कि निफ्टी में जो है वो कंसोलिडेशन जोन चल रहा है और आज जो वीकली एक्सपायरी है
उस पर्टिकुलर वक्त में हमें लगता है कि इसमें एक शायद हमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। ब्रॉडर ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन मार्केट में आ रहा है, बैंक स्टॉक्स चल रहे हैं। कल के दिन में अगर आपने देखा होगा तो और भी जो बाकी के जो दिग्गज सेक्टर थे वहाँ पे हमने तेजी देखी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर मेटल बैंड्स अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम यकीनन 16,000 के लेवल्स को क्रॉस कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो 15,820-18,810 के रेंज में वापस एक बार बाय किया जा सकता है निफ्टी को। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे 15,750 का, टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 15,950 के, और 15,930 के ऊपर हमें अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा पे फोकस करें, जो कुछ 85-86 के करीब अवेलेबल है। यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 84 का और टारगेट्स रखेंगे 90 रुपीज के। साथ ही साथ हमें लगता है कि इंडेक्स को जैसे वीकली एक्सपायरी पे थोड़ा अगर मैनेज करना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में हमें एक एक्शन देखने मिल सकती है। 2110-2115 के रेंज में अभी ये ट्रेड कर रहा है, बाय किया जा सकता है। 2080 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स तकरीबन 2150 से लेकर 2160 के हमें दिखाई दे सकते हैं। जी मैम, बिल्कुल श्रीकांत जी, शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर हमने अनुज गुप्ता जी से बातचीत की, उनके रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। गोल्ड में खरीदारी की राय 48,200 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं, 47,550 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। साथ ही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए क्रूड में बिकवाली की रणनीति है, घरेलू बाजार में 5,320 के लक्ष्य को मानकर चले, 5,510 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। तो क्लियरली गोल्ड में खरीदारी की राय, वहीं कच्चे तेल की चाल को देखते हुए बिकवाली की रणनीति अपनाकर आपको चलनी है। ये कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट आपके लिए। लेकिन चलिए अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट एक्शन का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत अदानी पोर्ट्स के साथ करते हैं। जेफरीज की रिपोर्ट आई है, यहाँ पर 720 के आसपास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 910 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। कुछ और रिपोर्ट्स की बात करें तो आज सेक्टर स्पेसिफिक रिपोर्ट्स काफी सारी हैं। बैंक्स पर UBS की रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि लोन ग्रोथ धीमी रहने का अनुमान है, क्वार्टर वन में NPAs भी बढ़ सकते हैं, ज्यादा प्रोविजन बफर रखने वाले बैंक्स वो यहाँ प्रीफर कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कोटक महिंद्रा बैंक और PNB में रुझान कम दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ टेक महिंद्रा पर भी सिटी की रिपोर्ट आई है और टेक महिंद्रा सेक्टर में उनकी टॉप पिक है। उनका कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर FY22 के बाद तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी कंपनी में और क्वार्टर फोर में हमने देखा था डील पाइपलाइन भी काफी मजबूत थी। इस वक्त अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 32% डिस्काउंट पर शेयर काफी आकर्षक दिखाई दे रहा है और पाइपलाइन में 5G कंपोनेंट होने से भी कंपनी को काफी फायदा होने की बात की जा रही है। ओके पूजा, शुक्रिया ब्रोकर रिपोर्ट समय बताने के लिए। और इसी के साथ पार ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।